लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के परिप्रेक्ष्य में जीआरपी गोरखपुर और सीमावर्ती बिहार प्रांत के अनुभाग मुजफ्फरपुर की समन्वयक बैठक जीआरपी पुलिस लाइन सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में एसपी रेलवे पुष्पांजलि देवी, एसपी रेलवे मुजफ्फरपुर अशोक कुमार सिंह, वरिष्ठ रेल पुलिस उपाध्यक्ष सोनपुर मोहम्मद तनवीर अहमद, रेल पुलिस उपाध्यक्ष मुख्यालय मुजफ्फरपुर रमाकांत उपाध्यक्ष सहित अन्य अधिकारी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक स्वच्छ एवं स्वतंत्र तरीके से सकुशल संपन्न कराने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में गोरखपुर और मुजफ्फरपुर अनुभाग के अधिकारियों के बीच सामंजस्य बैठक के सीमावर्ती क्षेत्रों में असामाजिक आपराधिक नक्सली आतंकी तत्वों पर निगरानी रखने एवं इस दौरान शराब की तस्करी तथा काला धन का प्रागमन पर रोक लगाने हेतु चिन्हित स्थानों पर संयुक्त चेकिंग निगरानी पर सहमति बनाई गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी रेलवे मुजफ्फरपुर अशोक कुमार सिंह और एसपी रेलवे पुष्पांजलि देवी ने कहा, एसआरपी महोदया के कार्यालय में बॉर्डर मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें बिहार के मुजफ्फरपुर रेल के सभी बॉर्डरिंग पदाधिकारी और हम स्वयं यहां उपस्थित हुए। इधर के आरपीएफ के सारे लोग, गोरखपुर जीआरपी के सभी पदाधिकारी यहां उपस्थित थे। आपस में सारे इन्फॉर्मेशंस का शेयर किया गया, जो भी अपराधी यहां के दोनों राज्यों के जो आपस में अपराधी हैं, जो एक दूसरे राज्य में इन करके अपराध करते हैं, उस पर हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत चर्चा किया। नशाखुरान गिरोह पे भी काफ़ी विस्तृत चर्चाएँ हुई। जो ट्रेन रात्रि में गुजरती हैं और कुछ ट्रेन अनस्कॉटेड भी रह जाती हैं, उस पर चर्चा हुई, उसको हम लोग पूरा करेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये हुई कि चुनाव के क्रम में हम लोग हर एक सेक्शन में सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और हर एक सेक्शन में हमारे दोनों साइड के पदाधिकारी और आरपीएफ के लोग मिलके और किसी ट्रेन को चिन्हित करके और कंप्लीट सेक्शन में पूरे ट्रेन के हर एक बोगी को सर्च करेंगे, जिससे काफ़ी संभावनाएँ अचीवमेंट की बढ़ जाएगी और हम लोग आगे लगातार संपर्क में रहेंगे। और निचले स्तर पे भी, ग्राउंड लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन महीने में दो बार करने का निर्देश मैडम का मिला है और सारे लोग एग्री हैं, जो ग्राउंड लेवल पे भी मीटिंग होती रहेगी और कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और इससे काफ़ी लाभ होने की संभावना है। जो हमारे पास साधन है उसी साधन में स्ट्रेटेजिकली हम लोग मैनेज करेंगे। आज हमने जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं उनको लेकर आज एक समन्वय बैठक की है, जिसमें बिहार राज्य के जो बॉर्डरिंग थाने हैं जीआरपी के, वो उनके एसआरपी और उनके सीईओ, आरपीएफ के जो संबंधित अधिकारी हैं, सब शामिल हुए थे यहाँ पर। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ट्रेनों के माध्यम से मादक पदार्थ या असलहे या नोट या इस तरह के कुछ संदिग्ध व्यक्ति यात्रा करते हैं, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करना। तो इस मीटिंग में बहुत अच्छा आपस में समन्वय हुआ और एक ये भी डिसाइड किया गया कि वो कौन सी ट्रेनें हैं जहाँ पर ये ज़्यादा संभावना रहती है इनके ले आने की। इसके अलावा कौन से स्टेशन हैं जहाँ पर हमको चेकिंग करानी है और सेम तरीके से वहाँ पे बिहार में वो कौन से स्टेशन हैं जहाँ पर हम चाहेंगे कि एक चेकिंग हो जाए थॉरो ट्रेन की, जिससे इन चीज़ों पर नियंत्रण स्थापित हो सके। ऐसे जो संदिग्ध व्यक्ति भी हैं उनकी भी जो लिस्ट है वो शेयर की गई है आपस में,
ताकि इसके खिलाफ एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेटेड हम कार्यवाही कर सकें। इसके अतिरिक्त जो आपस में थानाध्यक्षों के समन्वय बैठक होती है उसके संबंध में वार्ता की गई, जो मंथली समन्वय बैठक होती है, और साथ ही में जैसे दोनों जो बॉर्डरिंग जिले हैं, जो स्टेट हैं, उनके थानाध्यक्ष आपस में कैसे ट्रेन के माध्यम से यात्रा करते हुए आपस में मिलान सुनिश्चित करेंगे और किस तरह कोऑर्डिनेटेड कार्यवाही करेंगे, इस संबंध में चर्चा हुई। और इस मीटिंग के में जो चर्चाएं हुई उससे हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि एक जो है हम अच्छा शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव कराएंगे। जो है हम लोगों ने हर ट्रेन की हर बोगियों में कैसे चेकिंग की जानी है सबकी बात की है, और कैसे जो जनरल बोगियाँ हैं उसमें कैसे भीड़ को नियंत्रण किया जाए और कैसे मैनेज किया जाए, इस संबंध में भी बात हुई है और इसके ऊपर भी कार्यवाही की जाएगी। अक्सर देखा जाता है तो जनरल बोगियों में जो पैसेंजर आते हैं बैग में या झोले में लेकर के कोई भी सामान कर चले जाते हैं, अब पुलिस की जीआरपी भी वहाँ मौजूद रहती है लेकिन वो भीड़ नियंत्रण में रह जाते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ उपाय है? देखिए, इसमें बहुत बार हमने पास्ट में भी देखा है कि जो जनरल बोगियों में इस तरह के सामान ले जाए जाते हैं उसमें चेकिंग के दौरान काफ़ी बार उनको पकड़ा भी गया है। अभी भी हम यही कर रहे हैं कि जो जनरल बोगियों में भी सामान लेके जो यात्रा कर रहे हैं उनकी रैंडम चेकिंग की जाए कि कौन क्या चीज़ लेकर यात्रा कर रहा है। रैंडम चेकिंग से बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आएंगी, और इसके अलावा हम जो है इंटेलिजेंस कलेक्शन पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि हमको सूचनाएँ प्राप्त हों और उस सूचना के आधार पर हम एक प्रभावी कार्रवाई करें।